तीन महीने बाद क्या सब बदल जाएगा? तीन महीने बाद किस मोड़ पर होगा भारत? तीन महीने बाद दुनिया में कैसा तूफान? तीन महीने बाद विश्व में कैसा बदलाव? ₹2022 आधे से ज्यादा गुजर चुका है। तीन महीने बाद दुनिया मीठी और कड़वी यादों के साथ 2022 को अलविदा कहेगी और एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ नव वर्ष 2023 का स्वागत करेगी। ये भविष्य को जानने की जिज्ञासा ही तो है जो इंसान को भविष्यवाणियों की ओर लेकर जाता है। एक बार फिर फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां छाई हुई हैं। हर कोई 2023 को लेकर नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों को खंगाल रहा है। हम उन्हीं नास्त्रदमस की बात कर रहे हैं जो 1567 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी भविष्यवाणियों की वजह से आज भी दुनिया के जहन में जिंदा है। भारत के संदर्भ में नास्त्रदमस की ज्यादातर भविष्यवाणियां सटीक बैठी। फिर चाहे इंदिरा गांधी की मृत्यु का कथन हो, जिसको लेकर उन्होंने कहा था, निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होंगी और इसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, और तीन वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी, और इसी तरह राजीव गांधी की मृत्यु के संकेत हो या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल की बात हो, भारत की आजादी को लेकर की गई भविष्यवाणी हो या फिर आक्रांताओं द्वारा हिंदू और बौद्ध सभ्यता को नष्ट करने की भविष्यवाणी हो, ऐसे न जाने नास्त्रदमस की कितनी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें आज भी भारत से जोड़कर देखा जाता है। हैरानी तो तब होती है जब नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों में मोदी युग का जिक्र मिलता है। नास्त्रदमस के जिन भविष्यवाणियों में महापुरुष, विद्वान और शांति दूत, एक ऐसा इंसान जो भारत का नक्शा ही बदल देगा, उसे सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी से जोड़कर देखा जाता है। और इसी तरह 2023 को लेकर विश्व से जुड़ी नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों ने चारों तरफ हलचल मचा दी है। हिटलर के उदय से लेकर दूसरे विश्व युद्ध और अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना ने तब दुनिया को ज्यादा चंभित किया जब इन घटनाओं का जिक्र पहले से ही नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों में मिला। और अब एक बार फिर कुछ इसी तरह की भविष्यवाणियां 23 को लेकर नास्त्रदमस के हवाले से वायरल हो रही हैं। और आइए 2023 में क्या कुछ होगा, क्या कहती है नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां, इस पर एक नजर डालते हैं। क्या 2023 में लड़ा जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर? नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी को कुछ इस तरह लिखा है, 7 महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग। कई लोग इसे विश्व युद्ध मानते हैं। लोगों का मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा, तो वहीं कई लोग इसे चीन और ताइवान के बीच संघर्ष से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका आएगा जो एक बड़े युद्ध की शक्ल लेगा। मंगल तक अंतरिक्ष यात्री की पहुँच, मंगल ग्रह को लेकर नास्त्रदमस से लिखा है, मंगल पर रोशनी गिर रही है। कई लोगों का मानना है कि नास्त्रदमस ने इंसान के लाल ग्रह पर कदम रखने से जुड़ी ये भविष्यवाणी की है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि इंसानों को मंगल पर पहुंचने से जुड़े मिशन में एक बड़ी कामयाबी इस साल मिल सकती है। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क मंगल पर इंसानों की कॉलोनी बसाने की बात कह चुके हैं और 2029 तक मंगल पर इंसानों को भेजना चाहते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि 23 में मंगल से जुड़ा कोई मिशन एलन मस्क के दिमाग में हो। दुनिया को मिलेगा नया पोप, पोप का बदलना भी नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों में से एक है। अगर ऐसा होता है तो पोप फ्रांसिस की जगह कोई और आएगा। नास्त्रदमस के मुताबिक पोप फ्रांसिस आखिरी सच्चे पोप होंगे, उनकी जगह जो भी लेगा वो एक स्कैंडल को जन्म देगा। दो महान शक्तियों का मिलन, नास्त्रदमस ने दिलचस्प तरीके से दो महान शक्तियों को एक साथ नया गठबंधन बनाने की बात कही। नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों में यह गठबंधन एक मजबूत आदमी और एक कमजोर पुरुष या महिला नेता के बीच होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके प्रभाव अच्छे होंगे लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां, जिन पर विश्वास करना हर किसी के लिए नामुमकिन है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। 23 को लेकर आप भारत को, दुनिया को कितना बदलता देखना चाहते हैं, और क्या आपको भी नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों में सच्चाई दिखती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा
कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलेटरल संबंध की भी बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय है जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है, और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अतूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए, हम लगातार हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे, विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं।